अब जौन इंसान इतना मीठा चाय पिएला ओके तो बीमारी होके कही बा ना बस तो फिर एक तरफ आपके इलाज चली और दूसरी तरफ अभी अब अगर सारा जिम्मेदारी हम ही के तो निभावे की होगी ना भेल, आपके चाय अच्छा ना लगन? ऐसन कोनो बात नहीं के। वो एक्चुअली हमके मीठा चाय पिए से मना कइल गइल बा। केहू बा? एक्सक्यूज मी। का होता हमके बार बार सरिता के ख्याल हमरे मन में आवता अब तक काम के वक्त भी हमार एसोसिएट का सोची हमरे बारे में नो दिस इज नॉट राइट विक्रांत ठीक नहीं खे तो ये तरह से सरिता के वजह से काम पर ध्यान न दा बिल्कुल भी ठीक नहीं खे कॉन्सेंट्रेट मिस्टर सूर्यवंशी कॉन्सेंट्रेट फोकस हम अपने आपके मिस्टर सूर्यवंशी काहे कहता नहीं तो सरिता के तरीका बा हमरा से कुछ कहे के गॉड ये औरत दिल दिमाग पर ऐसन छा गई भैया कि हम खुद के ही कहे लगनी है मिस्टर सूर्यवंशी वैसे सरिता के मुंह से मिस्टर सूर्यवंशी सुन के अच्छा तो लागेला दो मिनट बात कर ली विक्रांत जी सरिता जी जल्दी चली देर होता आई राज जी दो मिनट दी हो सकेला कोनो इम्पोर्टेंट कॉल होके हमने के इंटरव्यू से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बा राज जी प्लीज सरिता हमार फोन काहे कटा तरी हमेशा तो तुरंत जवाब देवेले अब दुबई कहाँ जाता नहीं घूमे शॉपिंग और मिसेस सरिता आप दुबई कहाँ जाते नहीं नर्वस बड़े तेने सा शायद है वो कहा कि टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ आज से पहले कब वीजा एप्लीकेशन खातिर या ये तरह इंटरव्यू खातिर गए नहीं था हम दोनों एगो वैकेशन खातिर जाते नहीं कितना दिन रुके बाप दोनों 3 महीना पंद्रह दिन सर कहा कि इंकर हमेशा कंप्लेन रहला कि हम ज्यादा वक्त ना बितावे नी इंकरा साथे तो पहले हम इंकरा के 15 दिन बोले रहनी लेकिन सरप्राइज देवे के चाहत रहनी 2-3 महीना रह ली आसपास के कुछ और जगह देख आई
तब सरप्राइज तब ठीक बा। आप दोनों के तीन तीन फोटो एजला की। जी हमार कार में बा, हम अभी लेके आओ। हम लेके आवत बनी। प्राची तो सारा हद पार कर दिले बने आज। बस अब और नेकी साहे वाला हूँ। हमकी दिव्या से बात करके कोनो नया तरीका अपनावे, क्योंकि राजजी से हमेशा खातिर छुटकारा पावे खातिर। कहे कि हम अभिमान और विक्रांत जी के साथ धोखा कोनो भी कीमत पर ना कर। झूठ बोलता नहीं हम विक्रांत जी से। अच्छा नहीं खेला घर। शादी के बुनियाद विश्वास हो खेला, और हम उहे विश्वास के तोड़त बानी। हम विक्रांत जी के साथ अपने पुनर्विवाह के सफल कर चाहता नहीं। हम भी कोनो दिलचस्पी नहीं के राज जी के पागलपन में। ये देवी माँ शक्ति दो हमरा के, जे तरह पाप के विनाश कैले बानी हमेशा, हमके भी शक्ति दी ताकि राज जी के दिल में जन पाप की भावना बा ओकर नाश कर सके। हम उनके समझावे के होके कि का ताकत होला मांग के सिंदूर के। इतना सिंदूर कैसे लग गई आपके? वैसे हम ये बतावे के चाहते रहने कि अभी हमने के फॉर्म सबमिट कर दे और तीन दिन में हमने के वीजा आ जाए। आप तो अंदर वैसे गलत जवाब दे के हमरा के फंसाइए दे ले रहने। का फर्क पड़ेला वीजा हो गेलता और का फर्क पड़ेला कि टिकट बुक हो गेल बता। तू चलता ना गेलू ना राज के साथ, सो रिलैक्स। और पता बका, ऐसन बहुत बड़ा बड़ा ड्रामा ना कैले बानी हम अपन शोज में, ओकरा से कौनो फर्क ना पड़ेला। ब्रेक के बाद पता चलेला सब कुछ नॉर्मल रहे, सब झूठा रहे। ए वही पर ई हमने की जिंदगी है दिव्या, तो हार कोनो टीवी सीरियल ना हो। आज हम विक्रांत जी से झूठ बोलने और हमके बहुत बुरा लगा था। पता बा, हम बहुत टेंशन में रहने सच। पर तभी देवी माँ हमरा के आशीर्वाद दे ले और हमार कॉन्फिडेंस बढ़ गई। मतलब ई कि हम बहुत बड़ दुविधा में रहने, विक्रांत जी हमरे सामने से गुजर ले। और उकरे बाद देवी माँ के जुलूस, अब बताओ ऐसे बड़ शगुन और का हो सकेला। भले ही राज्य सबकर जिंदगी उलझा देले होके, पर अब वक्त बाद सब कुछ सुलझाएगी।
देवी माँ हमने के रास्ता जरूर दिखाई है। अब एक मिनट। जी देसाई जी, हमरा हमार मैनेजर बदले आपके फिल्म के बारे में। हम जाना तनी आपके फिल्म बहुत बड़ा बा, बहुत बड़ा बड़ा एक्टर्स ले ले बानी आप। बाकी का बाना देसाई जी, जिंदगी कबो कबो ऐसा मोड़ पे आ जाला जब पर्दा के लव स्टोरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाला आपके आपन लव स्टोरी। तब बस ओकरा अंजाम देवे के वक्त आ गए बा। ऐसे में हम कोनो बड़ा फिल्म के ऑफर कैसे ले सके नी। देसाई जी हम माना तानी ये फिल्म हमार करियर खातिर बहुत इम्पोर्टेंट बा, और हो सकेला हमार करियर के नुकसान भी काफी पहुंचे। लेकिन कोनो बात ना, दिल के मामला बा देसाई जी। 9 दिन में हमार शादी बा, और ये वक्त हमार शादी, हमार लाइफ और हमार प्यार हमरा खातिर बहुत इम्पोर्टेंट बा, ना कि ये फिल्म। द नेक्स्ट टाइम पक्का। थैंक यू दिव्या, तू अभी अभी एको बड़ फिल्म के ऑफर ठुकरा दे हलो। तका बहिल सरिता, राज बहक चुकल बा, वो तोहार जिंदगी बर्बाद करे पे तुलल बा। हमार जिंदगी में तो राज हमरा खातिर बहुत कुछ केले बा, हमार हाथ थाम ले बा। बाकी अब वक्त आ गए बा कि हम हमार राज के हाथ थाम, ओकर गलत कदम के सही राह पे लेके आई। ए वक्त हमरा खातिर हमनी सबके जिंदगी के और उलझे से बचावे के बा। बस हम तोहसे कहले रानी ना कि देवी माँ हमने के रास्ता जरूर दिखाई हा। देखा वो हमने के रास्ता दिखा दे ली। तुहार त्याग ऐसे ही ना जाए, तुहरे त्याग के सबके सामने ले आवे के योखी। ई त्याग अब हमने के अगली चाल है। मम्मा मम्मा मम्मा, अभी मम्मा इधर आए ना। अरे यहाँ बैठा। बोला मम्मा, पता बा आज का भइल? आज जब हम रिहर्सल की खातिर गए रहनी तो टीचर हमरा के शाबाशी देलस और कहलस वेरी गुड। अरे वाह। और जे बच्चा हमरा के चिढ़ावत रहे ओके मार पड़ल और मिस हमार रोल बढ़ा देले बानी और कहानी जो करी प्ले के हीरो बा। ते मम्मा हम तो हीरो बन गए नी। आप तो हीरो हैं ही। I'm so happy for you। अब हम जोकर सुन के रो अब ना हसब। वेरी गुड, अब जल्दी से जा और ये बात अपने डैडी के भी बता के आवा और उन्हें भी एको हग दे के आवा टाइट वाला। लेट्स पार्ट्स द पार्सल। मतलब मम्मा आपके एक मीनिंग भी ना आवेला, जैसे हम आपके हग कहनी आपके कहने पार्सल, तब फिर आप डैडी के जाके हग करब और डैडी जे भी करिए वो आप हमरा के पार्सल करब। ई कसन गेम अभी ना हमने कोनो और गेम खेले के ठीक बा। अगर आप ये गेम ना खेलबो तो हम आपसे कब बोना बात करब। अभी अभी एक संजिद है। अभी कितना जिद्दी बा, बिल्कुल अपने डैडी के कार्बन कॉपी है। अब इकरा कैसे समझाएं? उफ मिस्टर अखरू, तोरा पता बा तू का कहत बड़ा? तू पूरा यकीन के साथ कह सकेला कि वो तू जानत बड़ा कि अगर तू झूठ बोलबो तो का हो सकेला? आर यू श्योर? विक्रांत जी, सरिता जी, सरिता आज दोपहर में कहां रहलू तू? हम तोरा से कुछ पूछ रहल बानी।
तू हमार सवाल के जवाब काहे नहीं कुदे? बोला का भइल? हमेशा तो तोरे लगे जवाब रहेला। मिस्टर सूर्यवंशी ये सही नहीं खे, मिस्टर सूर्यवंशी ये गलत बा। हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान देत रहेलू, आज तो हर बोलती बंद काहे बा? ओ हम सोचत रहनी कि का सोचत रहलू तू? आप हमके को बात बताई, ऐसा कौन सा जरूरत पड़ा कि आप हमके इतना फोन करत रहनी? अभी कहते स्कूल से आवे के वक्त भी ना रहा, आप अपन फाइल्स पेपर आईपैड सब कुछ अपने साथ ही लेके गई रहनी। अब तक इतना बिजी रहनी कि आपके पास एक पल के फुर्सत ना हो खेला, तो फिर आप हमरा के फोन कैसे कर लेनी? बताई ना, फोन कर तो ठीक है, जब हम आपके फोन ना उठेनी तब आप इंक्वायरी कमीशन खानी हमसे इतना सवाल करे लगनी काहे? काहे की तू एक खातिर काहे की बताई बताई काहे की? पर आपकी गाड़ी काहे अटक गई? काहे की हमके जाने के रहल कि कहीं तू केहू के हाथ पकड़ के हमनी सब के छोड़ के भाग तो न गईलू, पर ना सुबह सुबह सर खाए खातिर हमार कोई होखी ना ना? ता आपके डर रहल कि कहीं हम केहू के साथ भाग तो ना गईनी? काहे कि आपने की चाहत कि हम आपकी जिंदगी से दूर जाएं। वाह मिस्टर सूर्यवंशी। एक्सक्यूज मी मिसेस सूर्यवंशी, ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए कि हम तोरे बिना जी ना पाए। इनफैक्ट हमार जिंदगी तो सुकून भरा होगी, बहुत खुशी खुशी जी पाए। यही खातिर केहू के साथ भागे के बा तब भाग जा, हमके कोई रोके वाला ना होई, कोई टोके वाला ना होगी, कोनो उपदेश देवे वाला ना होगी, हम बहुत खुश रहब। एक्सक्यूज मी, सात फेरा ले ले बानी आपके साथ? कितना? सात? इतना आसानी से पीछा छोड़े वाला नहीं खी हां? अगर हम चांद पर भी जाके बस गए नहीं ना, तब भी आपके वहां से फोन करब। खाना में नमक खातिर, चाय में चीनी खातिर, एकर खातिर ओकर खातिर सब पे खातिर हम तो हर नंबर ही ब्लॉक कर दे हब। तो हम आपके अपने नया नंबर से फोन करब। एक बात बतावा, आखिर तो केहू के साथ भाग जाइबू तब तू हमके फोन काहे करबू? बताओ ना, हमरे बारे में सोच के हमके फोन काहे करबू? मिसेस सूर्यवंशी अब बोला, हमके फोन काहे करबू? चाय में चीनी खातिर, खाए में नमक खातिर, हमके टोके खातिर, हमके रोके खातिर? बताओ अब बोलते काहे बंद हो गई? बताओ ना, आखिर हम आपके बानी के? मुझको है तुमसे मोहब्बत। हम आपके हम आपके हम आपके हम आपके बेटा के मम्मा है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। बहुत शैतान हो गई बनी आप। आप जब मिस्टर अकड़ू बन के रहत रहनी ना, तबे ठीक रहनी। वैसे एक बात कही आपसे,
आप में जो नया चेंज आयल बा ना, बहुत अच्छा बा। जब आप बदमाश बच्चा की तरह हमसे सवाल करेनी ना, तो बहुत प्यारा लागे नी। तो वो हमार बेटा के माँ बड़ी खाली मिस्टर सूर्यवंशी, अगर हम आपसे सवाल करी कि आप उनकर बानी के, ता सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। कुछ तो बा, कुछ तो जरूर बा। राज बेटा, तू कहाँ गायब हो जाला? तुहार बाबूजी कब से याद कर रहल बानी तोरा के? अच्छा एगो काम करा, तू मुँह हाथ धो के बैठा, हम तोरा खातिर खाना लगा बेनी। पता ना भूखल कहाँ कहाँ। राज रहे दा अभी, बाबूजी सुतल बड़े, हम दवाई दे देनी उनका के। भैया ये देखा, ये ना हमारे शादी वाला ड्रेस है, अच्छा बना। आप ये फाइबल पहले छोड़ी। सॉरी भैया, हम उठा देते। हम उठा देते नहीं, जा तू। सॉरी। ओ बाबा। इट्स ओके राज, इमें घबराया ला कौन सा बात बा। तू और सरिता पति पत्नी रहला, पासपोर्ट भी होई, जॉइंट अकाउंट भी होई, और सब में नाम चेंज करवावे के होई। हम समझ सके नी, ऐसे फोटोज तोहरा पास बा, है ना? वैसे भी राज, हम शक्की पत्नी नहीं की। ठीक बा, तेरा खातिर चाय वगैरह कुछ लेके आवता नी। बस राज, आज से शुरू हुई तरह लाइन पे लावे के फॉर्मूला, देखल जाओ कैसे पीछा छुड़ावेला तू हमरा से। बस वो फिल्म के प्रोड्यूसर के घर आवे के देरी बा। का तू विक्रांत के घर जाके रह बा? हमार मतलब बाकी तू तब विक्रांत और सरिता के साथ कबो रहे ना चाहत रहला ना, फिर अचानक का भयल? वो एक्चुअली हमार काजल से बात भयल, हम ओके 2 घंटा के मोहलत देले बनी, और ओके ये भी कहनी है कि अगर हमरे साथ रहे के बा तो हमके उहे घर में रखे के पड़ी, वरना ये रिश्ता खत्म। और वो अब हमार रहे के इंतजाम करी, और ये सब तोरे वजह से भइल बा। अगर विक्रांत के घर जाके रहे लागली तो हम बदला कैसे ले? हब हमरा कोशिश करे के हुई कि रोहन वहां ना जाए, वो घर में जाई तो सिर्फ हमार मदद से, काजल के मदद से ना, वरना अब तक जौन कुछ भी कहनी वो सब बेकार हो जाए। माई नेम इज अभिमान, माई फादर्स नेम। का कर रहल बड़ा अभी? पढ़ाई पर ध्यान देना, स्टार का बना रहल बड़ा? बुक के मत खराब करा। मम्मा इसे छोड़ा ना। अभी 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 मिस्टर सूर्यवंशी का कर रहल बानी आप? एक बार और टकराई वाला झगड़ा हो जाए। ये रोल के कैला के बाद टॉप 5 हीरोइन में से अगर आप एगो ना भईनी तो हम फिल्म बनावल छोड़ दे। ये लोग मुंबई से आयल बानी, हमरी बहू के बहुत बड़ा पिक्चर में हीरोइन के रोल मिलल बा। पता बा हीरो के बा? अरे वो
वो सुंदर सा लड़का, अरे बहुत ही सुंदर सा, वो सुंदर जैसन के बा करण ग्रोवर। आप ये राजबाड़े हमारे होके वाला हस्बैंड समझाई नहीं करके, आपके तो पता बा शादी के बाद हीरोइन के मार्केट खत्म हो जाला। हम आपके को ब्लैंक चेक देके जाता नहीं। प्लीज आप समझे कि कोशिश का है ना करत आनी। 10-11 साल के बाद हमरा मौका मिलल बा कि हम हमार जिंदगी हमार तरीका से जी, अपन राज के साथ, और कौनो भी यह चाही। प्लीज सर आप ही समझाई ना, सर अपना प्यार के आप ही मना सकता नहीं। सर अगर दिव्या जी मना कर दे ली तो हम ये फिल्म बनाइए ना पाए, क्योंकि हमरा इंकरा अलावा दूसरा कोनो चेहरा नजर ना आवेला स्क्रीन पर। प्लीज हमार जवाब तय बा, एक हफ्ता बाद हमार शादी बा, और ओकर बाद हम राज और उनका फैमिली के साथ रहे चाहता नहीं, उनका साथ ज्यादा से ज्यादा समय बितावे चाहता नहीं। ये सही मौका बा, शादी टाल जा सकता और हमरा बात खातिर गिल्ट भी फील ना हुई। दिव्या के छोड़ के जाता नहीं, इस शादी के मंडप से भागे के बजाय हमरा दिव्या के मनावे के हुई। ये सही रास्ता बा। दिव्या का कर दर तू, जितना बड़ा तारा ऑफर मिला था हर एक्टर पूरा जिंदगी इंतजार करेला ऐसा ऑफर के, ऐसा मौका के। हर एक्टर के सपना होला कि बस ओकरा के जिंदगी में एक बार ऐसा मौका मिलो। तनी सोचा जब तार फिल्म बनी रिलीज हुई तो ए देश के हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बा में तार चर्चा हुई, तार पब्लिसिटी हुई, पोस्टर्स लाके फिल्म रिलीज हुई। नाम पैसा शोहरत ठीक बा मिली ही, लेकिन तार एक्टिंग, तार पैशन, ओकरा के एगो नया मुकाम मिली, एगो नया स्टैंडर्ड सेट कर भी तू अपना आप खातिर। पता बराज, वो जो 10 साल हम तारा बिना गुजर ले बानी ना, हमरों में सब कुछ मिलल बा, नाम पैसा शोहरत सब कुछ, बहुत सारा चाहे वाला भी, लेकिन प्यार करे वाला केहू ना, बहुत सारा फैंस रहे हमार, बाकी दिल के सुकून पहुंचावे वाला केहू ना। वो 10 सालन के दौरान और ओकर बाद भी हमार जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज की कमी रहे, वो तू रहला राज। हमें को बहुत बड़ा गलती करनी, हम तारा छोड़ के चल गए नी, और वो कमी आज तक हमरा खाएला। हम सब कुछ हासिल कर लेनी, जहां तक पहुंचे के चाहत रहनी वहां तक पहुंच गई नी, लेकिन जब पलट के देखनी तो तू हमरा पास ना रहला। तारा बिना वो सारा चीज के का फायदा, हमके तू चाही राज, हमार राज। एगो चीज पूछी राज। पूछा। बैठा। अगर तरह के ऐसने कोनो बड़ चीज के ऑफर आवेला, माला हमने के शादी के दिन मंडप में बैठे के बाद, और तरह के ये चुने के पड़े कि तू बड़ ऑफर स्वीकार करे चाहता ना या अपन दिव्या के, तो तू का करबा। हमार दिल कहेला तू ऐसा ना करबा, कबो ना, बल्कि हमार राज तो ऐसा कर ही ना सकेला, जे 10 साल सरिता के साथ रहे के बाद भी उकरा अपना ना सकल, वो हमरा के मंडप में छोड़ के कैसे जा सकेला। हमार राज अपन दिल के सुनेला, जे वादा करेला वो निभावेला, जब वो ऐसा ना कर सकेला तो हम भला ऐसा कैसे कर सकेनी। दिव्या लेकिन राज, दिव्या अपन राज के छोड़ के फिर कबो ना जाई, कबो ना।
विक्रांत जी के साथ सच्चा रिश्ता की शुरुआत हो खेला कर बा। पर राज जी किसी भी तरह राज जी के रोके की होखी वो गलत रास्ता पे चल रहा बाने, बिना देखे बिना समझे कि वो रास्ता उनके विनाश के तरफ ले जा रहा बा। उनके और हमारे परिवार की खुशी यही में बा कि वो दिव्या की अपना ले ताकि हम अपने परिवार की जिंदगी में पूरी तरह से खुल जाए। हम अभी और विक्रांत जी अरे वाह आजकल तू फूल के पंखड़े से नहा रहा बड़ो लेकिन ये मत भूलिया कि ए फूल के साथ साथ काटा भी हो खेला जैसे आप है ना। सही बात है फूल और काटा एक साथ हो खेला था पर एक दूसरे के दुश्मन ना हो खेले। इनफैक्ट काटा तो फूल के रक्षा करे ले पर अगर आप जिसन काटा हो के तो खुशी के फूल के लहू लुहान कर दे ले। हाथ मत लगैया हम ओ भवन में से ना है जे सास के डर से थरथर कांपे। हम अच्छा लोग के साथ अच्छा है पर बुरा के साथ बुरा समझनी है। रोहन की मम्मी जी सही कहलू बिल्कुल सही कहलू तू हाय हम रोहन के मम्मी हैं और अच्छा भैल की यही नाम से पुकार लू तू। पर एक बात याद रखिया हम सिर्फ काटा ना है हमें को जहरीला काटा है और अब तू हमरे और हमरे बेटा के जिंदगी में दखल अंदाजी करे के कोशिश कैलू तोहरा अतना काटा चुभी कि फूल ना बरसी तोहरा पर लहू लुहान हो जाएबू तू। रोहन तो चिंता मत कर हम बानी ना बेटा इतना भी मत डरा कि ऐसा लागे विक्रांत बेटा देखी रोहन इन बाप से मिले विक्रांत बेटा बहुत ज्यादा शर्मिंदा बाहू ओकरा अपने गलती के एहसास हो गई बा यही से यही जाइल बा आपसे माफी मांगे खातिर प्लीज ओकरा माफ कर दी। दर दर भटकता हूं अकेले और काजल काजल भी तो अकेले रहती है ना अपने पति के बगैर रो रो के काटे लिया पर रात प्लीज प्लीज बेटा ओकरा माफ कर दी। खा खा के मोटा दिया कहां के दुख भाई काजल के हे भगवान कहीं विक्रांत जी इन्हन के बहकावे में ना आ जाए और सिर्फ काजल ही ना हम और रोहन के डैडी हमने के गला से एगो निवाला ना उतरेला बस ये सोचे नहीं के कि कहां होके हमने के बेटा। प्लीज बेटा हमने की बेटी के तो हमने खो चुकल बानी अब एगो औरत और हम आपके भी अपन बेटा ही माने नी तो प्लीज एक बड़ बेटा बनके अपने छोट भाई के गला लगा ली ओके माफ कर दे प्लीज। अ
अरे रोहन तू ऐजा कहाँ खड़ा बड़ा ऐजा आवा ये तुहार जीजा जी हूँ माफ कर दिया तुहरा के आवा का कर रहा बड़ा तू आवा ऐजा प्लीज प्लीज विक्रांत बैठा के माफ कर दा प्लीज रोहन चल माफी मांग जीजू प्लीज माफ कर दी पछतावा झूठ माफी भी झूठ कहीं विक्रांत जी झूठ के बहकावे में आके रोहन के अपना न ले रोहन माफी मांगा ओ। I'm sorry तोरा कानून माफ कर सकेला लेकिन विक्रांत सूर्यवंशी एक औरत के बेइज्जती माफ ना कर सकेला विक्रांत जी ये आप का करतनी हिम्मत भूली आपकी स्वर्गीय पत्नी के लाडला भाई हरोहन बस मॉम अगर तुहार बेटी आज जिंदा होत तो एके अपन घर के दहलीज पार ना करे देत केहू भी औरत के ओकर मर्जी के बिना छुअल एक ऐसा अपराध बा जेकर कोनो माफी ना हो सकेला अगर तोके माफी मांगे के बा तो शीला से जाके माफी मांगा और अगर वो तोके माफ करे तब बे हमके अपन सकल दिखाइया वाह जीजू वाह का भाषण दे ले बानी आप अरे आपके तो हमार शुक्र गुजार होके के चाहिए काहे कि अगर हम शीला के किडनैप ना करती तो ये सरिता आपसे कब्बो शादी ना करत कम से कम ई जन्म में ता बिल्कुल ना इंसाफ इंसाफ कह ले बानी ना आप हम मानता नहीं कि हम एगो बेबस लड़की पे अत्याचार करे के कोशिश कहनी हालांकि हम उनमें कामयाब ना बहनी लेकिन आप तो हमके गुनेगार बना देनी और आप का कहनी आप तो उहे बेबस लड़की के फायदा उठेनी ओकरे वजह से सरिता के बेबस कहनी और ओकरे बाद से ओकरा से शादी कर लेनी का ही गुना नहीं खे आपके लगा था कि आपके ऊपर कोनो दाग नहीं खे दूध के धुलन बानी आप हाँ वाह जीजू वाह चुप अगर एक लफ्ज भी और कह लेना तो का कर ले बाप मरबा मारा लेकिन हम अपन आवाज नीचे ना करब काहे कि आप तो एक ना बल्कि दो लड़की के फायदा उठे ले बानी हमसे बड़ा धोखेबाज तो आप बानी रोहन निकल जो यही समय हमारे घर से निकल जो निकल जाए लेकिन आप हमारे एक बात के जवाब दी कि धोखा तो हमने दोनों दे ले बानी अब आप ये बताएं कि आप में और हमरा में का फर्क बा हम बतावत नहीं का फर्क बा हम बतावत नहीं जब भी तुहार सकल हमारा आपके सामने आवेला हमरा एहसास होकेला कि हम कितना गलत रहनी गुस्सा आवेला अपने आप पे हमके अपना आप से नफरत होकेला हाँ हाँ हम तोहरे अपराध के फायदा उठेनी हम सरिता के मजबूर करनी कि वो हमरा से शादी करे लेकिन पूछ ओकरा से का एक दिन एक पल भी हम वो मजबूरी के फायदा उठेले बानी